लखनऊ में लगाए गए वसूली के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो। बहुत रोचक रही और यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ तल्ख सवाल पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। वैकेशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, होली की छुट्टियां चल रही हैं, अगले हफ्ते सोमवार से रेगुलर बेंच बैठेगी, लेकिन जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यूपी सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे सॉलिसिटर जनरल से कई सवाल पूछे। उसमें से एक सवाल ये भी था कि कौन ऐसा कानून है जो आपको इजाज़त देता है कि जो दंगा के आरोपी हैं उनका बैनर पोस्टर इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाए। सरकार की तरफ से अपने बचाव में ये कहा गया कि दरअसल ये कोशिश ये की गई है ताकि इस तरह की घटना से, इस तरह के बैनर लगाने से लोगों को सबक मिले ताकि आगे से दंगाई इस तरह का असामाजिक कार्य करने से बचे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये हुई है वो कोर्ट की तरफ से पूछा गया क्या कि इन लोगों पर जो आरोपी हैं उनसे जो हर्जाना, जो सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का हर्जाना जमा करने की जो मियाद दी गई थी क्या ख़त्म हो चुकी है। उस पर सरकार ने कहा कि वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उस फैसले को, उस सरकार के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जस्टिस ललित ने कहा कि अगर वो मियाद ख़त्म हो गई होती और उसके बाद अगर आपने पोस्टर लगाया होता तो बात समझ में आती। तो हाईकोर्ट में जो याचिकाकर्ता है जिनका पोस्टर लगाया गया, उनके तरफ से यहाँ पर तीन चार बड़े बड़े वकील, जिसमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील कोलिन गुंजालविस, ब्रिंदा ग्रोवर, सीयू सिंह जैसे बड़े वकील अपीयर हुए और उनके तरफ से ये कहा गया कि दरअसल सरकार ने जानबूझकर दंगा के आरोपियों का जो तस्वीर लगाई है, बैनर लगाया, जो होर्डिंग लगाई है, उसके पीछे मंशा ये थी कि लोग इन्हें पहचाने, इनके एड्रेस पर जाएं, उन्हीं के साथ मारपीट करें, उनके साथ हिंसा करें और उनकी लिंचिंग की जाए। सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह के बैनर पोस्टर लगाने से व्यक्ति की गरिमा जो है, चूंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह का बैनर पोस्टर लगाने से व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, जो फंडामेंटल राइट है, निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो सरकार की तरफ से यहाँ पर उस अपने पक्ष का, अपने जो स्टेप है उसका, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हुई। कोर्ट ने माना मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अब रेगुलर बेंच, यानी कि अभी दो जजों की वैकेशन बेंच सुनवाई कर रही थी, अब अगले हफ्ते तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुनवाई कब होगी ये चूंकि मुख्य न्यायाधीश को तय करना होता है, तो सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच जब बैठेगी तो मुख्य न्यायाधीश ये तय करेंगे कि तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी, कब करेगी और कौन कौन जज होंगे। लेकिन जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए आई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में फिलहाल किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं लगाया है। मतलब हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि पोस्टर्स हटाए जाएं, होर्डिंग्स हटाए जाएं, उस पर वो आदेश बरकरार रहेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कोई बदलाव किया, कोई दखल दिया, तब की बात अलग होगी। लेकिन फिलहाल वो बैनर पोस्टर जो हटा दिए गए थे हाईकोर्ट के आदेश के बाद से, वो अभी हटे ही रहेंगे। जी, बड़ी बेंच के पास ये मामला भेज दिया गया है, क्या 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 बदलाव हो सकता है इस मामले पर आगे जब ये सुनवाई होगी? तो देखिए, इसमें कानून बहुत ही टेक्निकल मसला है। जैसे यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ऐसा मामला है जी, जिसका आने वाले समय में, भविष्य में इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है। एक बात मैं और बताऊं कि इसके पहले दंगे से जुड़े हुए मामले में, जब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, कहा था कि जो लोग दंगा के लिए जिम्मेवार होते हैं उनके, उनसे हर्जाना वसूला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार ने इतना तो किया ही है कि जो लोग दंगाई हैं या जो आरोपी हैं उनसे वसूला जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर उन आरोपियों का बैनर पोस्टर पर नाम लिखा है, उनका पता लिख दिया है और इसी आधार पर उसकी मुखालफत की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे व्यक्ति की जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, वो उसका उल्लंघन हो रहा है। तो अब यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात आ गई, संवैधानिक अधिकार की बात आ गई है। तो इस पर अब सुनवाई होगी जो बहुत रोचक होगी। लेकिन
क्योंकि ये संवैधानिक मसला हो गया, संवैधानिक तथ्य इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसलिए बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। और बड़ी बेंच कौन होगी? तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।